वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं डॉट एंड की का एक न्यू लॉन्च प्रोडक्ट। गाइस, ये है डॉट एंड की स्किन केयर विटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट जेल फेस वॉश, ब्लड ऑरेंज एंड नियासिनमाइड के साथ आता है। ट्रिपल विटामिन सी है, सल्फेट फ्री है, फाइट करता है डलनेस एंड टैन को। गाइज, इससे पहले आपने सुना होगा या मेरे चैनल पे देखा होगा, अदर चैनल पे देखा होगा, तो डॉट एंड की का जो विटामिन सी एंड ई मॉइस्चराइज़र, उसकी इतनी तारीफ यूट्यूबर ने करी है। इससे पहले इनका डॉट एंड की विटामिन सी एंड ई इनका जो क्रीम है वो अवेलेबल था मार्केट में, जिसके बारे में मतलब मैंने भी बहुत बार कहा कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और अभी उसी रेंज में ये फेस वॉश ऐड किया गया है। गाइस, ये करता क्या है तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फेट फ्री है, ये ऑरेंज विटामिन सी एंड नियासिनमाइड का कॉम्बिनेशन है एंड इसमें विटामिन ई भी है। डलनेस एंड टैन को ये कम करती है। ऑल स्किन टाइप के लिए फेस वॉश है। गाइज, ये जो फेस वॉश है इसमें आप देख सकते हो पैकिंग, ये कोई कार्डबोर्ड बॉक्स में नहीं आता, इस तरीके का ऑरेंज ट्यूब में है और वाइट कलर का ये कैप है। अगर मैं बात करूं कंसिस्टेंसी की तो गाइज ये जो है बिल्कुल जेल फॉर्म में है, बिल्कुल जो जेल फॉर्म में फेस वॉश होते हैं ट्रांसपेरेंट, ये उस तरीके का है। फ्रेगनेंस जो है कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस ऐड नहीं है, जैसे कि फ्रेगनेंस संतरे से आती है उसी तरीके की फ्रेगनेंस इससे आ रही है, तो कोई हार्श फ्रेगनेंस के साथ ये नहीं आता। गाइस, बात करें इंग्रेडिएंट लिस्ट के बारे में तो इंग्रेडिएंट लिस्ट आप स्क्रीन में देख सकते हो। उसमें एक्वा है, कोकोमाइड्रोप्रोपील बिटेन है, डिसाइल ग्लूकोसाइड है, ग्लिसरीन है, डाइसोडियम कोकाइल है, ग्लूटामीट है एंड गाइज इसमें आप देख सकते हो मैंथा पेपरिटा है एंड इसमें मेंथॉल है, सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट डाला गया। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है ये क्रुएल्टी फ्री है और ये वेगन है और ये मीट सेफ है। बाकी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो पैच टेस्ट कर लो। बात करूँ प्राइस के बारे में, तो अभी इसमें कोई छोटा साइज़ अवेलेबल नहीं है। ये 100 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ मिलता है 249 रुपीज़ का, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं कहूँगी, क्योंकि सेल में तो ये आपको आराम से 180-170 रुपये में मिल जाएगा और इतने ही रुपये में एक अच्छा फेस वॉश भी मिलते हैं। मतलब इससे सस्ते तो जो होते हैं वो या तो बहुत कोई पुराने ब्रांड के होते हैं या फिर हो सकता है कि वो उतने अच्छे ना हो। लेकिन हाँ, ये जो है फेस वॉश मैं यूज़ करके आपको दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हो कि मैं ले रही हूँ उसको कॉइन साइज़ और गाइज इसको वाटर के साथ मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ और फिर वाटर से इसको रिंस आउट करती हूँ। तो आप देख सकते हो कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसने बहुत ज़्यादा लेदर नहीं बनाया, स्किन को ड्राई आउट नहीं किया और मेरी स्किन जो है थोड़ी सी टैन रिमूव नज़र आ रही है, ब्राइटन अप लग रही है। तो गाइज ये फेस वॉश जो है ये स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता, सूखा नहीं करता, रूखा नहीं करता और ये ना स्किन को एक ग्लोई इफेक्ट देता है, टैन को रिमूव करता है, स्किन ब्राइटन अप लगती है। अगर आप एक फेस वॉश चाह रहे हो जिसमें विटामिन सी हो और ई हो, मतलब कि विटामिन सी स्किन को ब्राइटन करे, लेकिन जो विटामिन सी का जो स्किन ड्राई होने लगती है वो विटामिन ई कवर अप कर देता है और स्किन को हाइड्रेट भी रखता है, तो ये फेस वॉश आप ट्राई कर सकते हो। अपकमिंग विंटर्स में भी ये बहुत परफेक्टली वर्क कर जाएगा। और अगर आप एक कोई फेस वॉश वेल नोन ब्रांड से चाह रहे हो, अफोर्डेबल साइड चाह रहे हो और जिसमें ज़्यादा हार्श केमिकल ना हो, पैराबेन नहीं हो, तो इसको एक बार ट्राई आप दे सकते हैं अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है या आप कोई नया प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हो। गाइस, बाकी इंग्रेडिएंट का स्नैपशॉट मैंने आपको अगेन स्क्रीन में दे दिया, आप पॉज करके चेक कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट इससे सेटिस्फाइड हो तब कोई प्रोडक्ट यूज़ करें और जब प्रोडक्ट यूज़ करें तो पैच टेस्ट कर लें। ये बहुत ज़्यादा सेफेस्ट साइड चला जाता है। जब आप इतना कर लोगे तो फिर कोई फेस वॉश या कोई भी प्रोडक्ट उतना प्रॉब्लम नहीं करता है। बाकी गाइस, ये मैं ऑयली या फिर ड्राई स्किन वालों सबको रिकमेंड करूँगी। अगर आपकी जो स्किन है विंटर्स में ड्राई हो रही है तो इसको ट्राई कर सकते हो। एक ऐसा फेस वॉश है जो टैन को भी रिमूव करेगा और स्किन को ब्राइटन अप भी करेगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक रखें आप अपना ख्याल। टेक केयर, बाय।